जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ बीपीएससी एग्जाम का दूसरा जो चरण में आपका बहाली होने वाला है ना, तो उसका मैं लैंग्वेज पेपर लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना, जिसमें आपका ये 6 से 12 तक लेकर काम करेगा, ठीक है ना। ये खास रूप से मैं 9th-10th वाले के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपका इंग्लिश से आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, और हिंदी से आपका 22 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 9 नंबर पे पास मार्किंग समझा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, इंग्लिश का देखते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब आपको यहाँ पे सबसे जो बेस्ट यानी कि सबसे सुटेबल जो ट्रांसलेशन इसमें बताया गया है उसको आपको चूज करना है। तो वह 2 दिनों से बीमार है, तो ही हैज बीन सिक फॉर 2 डेज होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा बोला गया है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें आपको आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट दिए गए हैं ना, इनकरेक्ट शब्द दिए गए हैं उसको चुनना है, ये गलत शब्द को इसमें चुनना है। तो पी आई ई पाई जो है आपका, पी आई ई पाई मतलब होता है गड़बड़ी, ये तो सही बोला है। एस एल डबल ई की स्लिक मतलब होता है आकर्षक चमकीला, ये भी सही दिया गया है, लेकिन आपका पर्चिंग जो दिया है वर्ड ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर हो जाएगा, गलत दिया गया है। इसका वर्ड क्या होगा, पी आई ई आर सी आई एन जी, पार्सिंग होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, और इसका मतलब होता है दोस्तों भेदता हुआ, है ना, भेदता हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, मतलब आकाश का रंग कैसा होता है भाई, तो ब्लू होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, ब्लू होता है, आप तो जानते ही हैं, नीला होता है, आकाश का रंग नीला। आगे है द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप पढ़े होंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, यानी कि आपका सूरज पूर्व में उगता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। अगर यही बोल देता कि द सन सेट्स, सेट्स यहाँ पे दे देता तो सेट्स इन द वेस्ट होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे राइजेज है तो इसलिए राइजेज इन द ईस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन बोला गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स, मतलब आपको इसके लिए एक शब्द चुनना है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना अनेक शब्दों का एक शब्द, वही उसी तरह से। तो क्वेश्चन बोला गया है कि ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, मतलब वैसा व्यक्ति है ना जो अपने आप से प्यार करने वाला हो, जो खुद से ही प्यार करता हो, उसको क्या बोलते हैं, तो नार्सिस्ट बोलते हैं, नार्सिस्ट बोलते हैं, नार्सिस्ट। तो कहां दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, नार्सिस्ट मतलब खुद से प्यार करने वाले इंसान को कहा जाता है। आगे देखते हैं, सिस्टर्स सन इज, मतलब कि जो बहन के पुत्र होता है उसको हम भतीजा बोलते हैं, है ना, नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा भी होता है, तो भांजा ही बोलते हैं इसको, और भतीजा भी होता है, ठीक है। तो जो बहन का पुत्र होता है उसको हम लोग भांजा बोलते हैं, यानी नेफ्यू बोलते हैं, ओके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब आपको इसमें ऐसा वर्ड चुनना है जो अपोजिट हो, है ना, एंटोनिज्म मतलब उल्टा शब्द चुनना है। तो आपका दिया है हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मतलब होता है, हॉस्पिटलिटी मतलब आपका होता है आओ भगत, इसका मतलब होता है। तो इसका एंटोनिज्म होता है जो दोस्तों कोल्डनेस हो जाएगा, उपेक्षा करना, जो कहां दिया है कोल्डनेस, तो ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, 7 का, ठीक है। अगला देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, मतलब आपका जो फ्रेज दिया गया है इसका आपका सही से मीनिंग चुनकर बताना है। फ्रेज दिया है ए सिलेक्शन इन द कपबोर्ड, इसका आपका फ्रेज कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एन एम्बरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सेक्रेट, ठीक है। तो अब लैंग्वेज पेपर तो में आपका हिंदी हो गया कंप्लीट, 8 क्वेश्चन आएगा, अब सॉरी इंग्लिश पेपर जो है, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन जो आएंगे, हमने इंग्लिश का देख लिया, ठीक है ना, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश तो हो गया, अब हिंदी वाला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हिंदी में बोला गया है दोस्तों, क्या बोला है, तो पहला बोला है यहाँ पे कि 3 में न 13 में,
तीन में न तेरह में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तीन में न तेरह में मतलब बहुत नग्न होता है दोस्तों, बहुत नग्न, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो अगला दिया है साथियों हार्दिक स्वागत। साथियों देखिए, ऐसे जहां पे भी अगर आपको देख दिख जाए ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है, और कारक में देखा जाए तो जहां भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है उसको संबोधन कारक कहा जाता है। तो कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में आठ कारक होता है, ये आप याद रखिएगा, ये संबोधन कारक, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहीं भी दिख जाए तो बताना है आपको। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी जोर उदय अभ्युदय होगा, ठीक है ना, ई का य हो जाता है, ऊ का तारकुल लग जाएगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं, इनमें कौन सा भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये मगही जो भाषा है ये आपका आठवीं अनुसूची में नहीं क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं का समावेश किया गया है, और हम लोगों के भारत का राजभाषा क्या है? तो हिंदी है राजभाषा। आगे देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो आपको जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है तो आपको बताना है 11। कितना बताना है? 11 हिंदी में सर्वनाम है। कौन कौन होता है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सभी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जब भी आपसे पूछ दे दोस्तों कि कौन सा आपका तत्सम है, तो इसमें वर्षा आपका तत्सम है, ठीक है, लेकिन बरसात, हाथी, ये सब आपका तद्भव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें कौन नयन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है? तो नयन को आप तोड़ेंगे तो ने प्लस अन होता है कि नहीं, तो अन कहीं दिया है ऑप्शन में तो वही उत्तर होगा, तो अन तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा, ओके। आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक जिसमें मतलब कर्म नहीं हो, ठीक है ना। तो देखिए, श्याम हंसता है, इसमें कर्म नहीं है, क्या हंसता है? कर्म है कुछ? क्या लगा के आप चेक कर सकते हैं, क्या हंसता है? कुछ भी नहीं दे रहा है। सोना चमकता है, तो क्या चमकता है? तो कुछ भी नहीं चमक रहा है भाई, यही रहता कि हाँ सोना चमकता है, यहाँ पे बता रहा है, तो यानी कि सोना यह सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, आप पढ़े ना सब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब अगर दिख गया, ऑब्जेक्ट जिसमें आ जाएगा उसमें अकर्म सकर्मक हो जाएगा, कर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जिसमें आ जाएगा उसमें कर्म आ जाता है, यानी सकर्मक, लेकिन इसमें बोला है कि आपको अकर्मक हो जाना, यानी कर्म नहीं होना चाहिए जिसमें, तो कर्म नहीं वाले आपका दो दो ऑप्शन दिख रहा है, एगो श्याम हंसता है और सोना चमकता है। चालक गाड़ी चलाता है, इसमें तो आपका गाड़ी ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं, तो इसलिए आपका दो दो इसका आंसर सही हो रहा है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 का डी। आगे देखते हैं, 17 नंबर, शिवालय में कौन सा समास है? तो शिवालय, शिवालय यानी अंतिम पद प्रधान, शिव के रहने वाला आलय है ना, यानी भगवान शंकर के लिए रहने वाला जो आलय है शिवालय कहलाया गया, यानी तत्पुरुष समास होगा, अंतिम पद प्रधान होगा इसमें, है कि नहीं। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, चाहे विभक्ति का विभक्ति छिपा हो, जैसे शिव का आलय, बीच में का आ गया ना विभक्ति, इसलिए इससे भी आप चिन्ह सकते हैं तत्पुरुष, ठीक है। द्विगु कर्ष किसको बोलते हैं? जिसमें जिस समास में पहले संख्या लगा हो उसको द्विगु बोल देंगे, क्या जैसे त्रिनेत्र कोई कह देगा, तो त्रिनेत्र में देख रहे हैं त्रिशुरु, त्रु त्रि मतलब क्या होता है तीन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, है कि नहीं। आप बहुव्रीहि कोई आपसे पूछ दे, तो ज्यादातर देवी देवताओं के नाम अगर कहीं आता है उसको आपको बहुव्रीहि मानना है, जैसे गजानन हो गया, बीना पानी हो गया, चंद्रशेखर हो गया, पीताम्बर हो गया, ये सब बहुव्रीहि में जाएगा, ठीक है। तो हमसे तो इसमें पूछा था शिवालय में कौन सा प्रत्यय, तो तत्पुरुष हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द पुलिंग है? तो पुलिंग आपका जो धनिया है ना, धनिया ये पुलिंग शब्द है, लेकिन खीर रोटी ये सब स्त्रीलिंग होगा। आगे देखते हैं भाई, आगे है सुप्त का विलोम क्या होगा? तो सुप्त का विलोम होता है जागृत, सुप्त का विलोम होता है दोस्तों जागृत, याद रखिएगा, सुप्त का विलोम जागृत होता है, ठीक है। अगर यही विक्षुप्त का पूछता तो अविक्षुप्त बताते, ठीक है, असभ्य का विलोम कोई पूछता तो असभ्य बताते, है कि नहीं।
आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची है। पराक्रम का मतलब होता है गरिमा, गरिमा पराक्रम का आपका पर्यायवाची शब्द गरिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पराक्रम का गरिमा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और क्या क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, वीरता हो जाएगा, बहादुरी हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो यहाँ पे गरिमा दिया है तो इसलिए गरिमा उत्तर। 21 नंबर, आपसे और से के बाद मुलाकात हो रही है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का आयोग है, कालवाचक है, माने बहुत दिनों की बात, टाइम की बात करेगी, बहुत दिनों के बाद हमसे मुलाकात हो रही है, भाई आपसे मुलाकात हो रहा है, टाइम की बात करे, कालवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालवाचक। आगे देखते हैं, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो भयानक रस का अस्थाई भाव आपका भय हो जाएगा, भयानक, भय से भयानक बना है। आगे देखते हैं, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, यानी कि स्थान की बात कर रहा है, चोर कहां खड़ा था, तो दीवार के पास, यानी स्थान की बात कर रहा है, तो स्थान सूच स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अघोष क्या है, तो अघोष अल्प प्राण की बात कर रहा है, तो इसलिए आपका प्रथम वर्ण आला, जितने भी प्रथम वर्ण वाला होता है ना, क च ट त, ये सब अघोष अल्प प्राण के उदाहरण है, याद रखिएगा, तो क इसका उत्तर हो गया। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, मतलब आपका सही शब्द वाला, तो आपका जो देखिए चिन्ह, चिन्ह ऐसे शब्द लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो 26 से लेकर 30 तक ले गद्यांश वाला क्वेश्चन है, मात्र आपका 4 क्वेश्चन गद्यांश वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इतना बड़ा गद्यांश को पढ़ने नहीं जाएंगे, एक ही बार डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें आंसर खोज के दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला है, हुमायूं में कौन सा गुण था, तो हुमायूं के बारे में बोला है, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि हुमायूं के बारे में क्या बताया गया है। घोड़ा की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई, पथिक ने वहां स्त्री कहां गई, खोज निकालो ममता, छिपने की अधिक सचेत हुई और मृगदान में चली गई, और दिन भर उसने न निकली, संध्या में जब उन लोगों को जाने के बाद उपक्रम हुआ तो ममता और पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, मतलब विश्राम किया है, यहाँ स्थान भूलना मत। मतलब ये जो घोड़े पर सवार था कौन था, हुमायूं था, और जहाँ पे वो रहा था, विश्राम किया था, उसको घर बनवाने की बात कर रहा था, यानी वो कृतज्ञता की गुण बता रहा है, यहाँ पे गुण कौन सा उसमें गुण था, तो कृतज्ञता की गुण उसमें था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञता। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, अब देखिए यहीं पे तो हम लोग पढ़े थे, ममता बाहर दिन भर क्यों नहीं निकली, देखिए घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई थी, ऊपर दिया है, क्यों 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 नहीं निकली थी, तो डर गई थी भाई, डरी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, क्या नहीं था, तो देखिए हम लोग उसमें थोड़ा पढ़ते हैं क्या नहीं था भाई, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़िए, चौसा के मुगल पठान युद्ध के बहुत दिनों बीत गए, ममता अब 70 साल की वृद्धा, मतलब वो वृद्ध हो गई थी, ये तो दिया है, वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी और जीर्ण कंकाल खांसी से क्या हो गई थी, गुज रहा था, और ममता जल पीना चाहती थी, स्त्री ने घोड़ा से जल पिलाया, मतलब वो असुरोही झोपड़ी के द्वार पर खड़ी दिखाई पड़ा और मिर्जा ने चित्र बनाया, मतलब यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब ऑप्शन से देखिए, निम्नलिखित में बुढ़िया को क्या नहीं था, तो देखिए बुढ़ापा तो था ही, खांसी भी था, सामर्थ्य नहीं था, वो जल पीने का सामर्थ्य नहीं था, तो घोड़े पर से एक औरत उसको पिलाई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अश्वरोही वहां क्यों आया, चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन थोड़ा पढ़ लीजिए, बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब इसका आंसर हम क्या करेंगे, ढूंढ निकालेंगे, तो चलिए इसमें देखते हैं कहां पे दिया है।
चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए और ममता 70 साल की हो गई, और जिन कंकाल खांसी ये सब दिया है, ममता जल पीना स्त्री और वही दिखाई मिला और बनाकर दिया गया। इसी जगह से वो बुढ़िया मर गई थी। अब कछु सांस ये इसमें नहीं दिया है, ऊपर दिया होगा, ऊपर थोड़ा पढ़ते हैं। घोड़ों की टाप सुनकर भयभीत हो गई ममता, भयभीत हो गई। पति ने कहा स्त्री कहाँ दिया है इसका, दिन भर खांसी, संध्या के जब उन लोगों को सजाने के प्रक्रम, मतलब उसको ढूंढने के लिए आया था लोग। किसको ढूंढने के लिए आया था लोग? बुढ़िया को ढूंढने के लिए आया था लोग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुढ़िया को ढूंढने के लिए आया था लोग। आप देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? तो पथिक आपका हुमायूं को ही तो कहा गया था, पथिक मतलब राही जो घोड़े पर सवार होकर उसको ढूंढने आए थे। तो ये दोस्तों हमने आपका लैंग्वेज पेपर का 300 क्वेश्चन कराया। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके एक बार कमेंट जरूर करें। प्रैक्टिस सेट हमने 1 करा दिया, इसी तरह से इसमें 10 सेट दिए गए हैं, 10 11 सेट दिए गए, 11वां सेट एकदम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है।